हेलो एवरीवन पिछले वीडियो में हम ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन देखे थे जिसमें हम जाने थे ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे बीजेटी कहा जाता है एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे फेट कहा जाता है तो ये जो हमारा फेट है ये दो टाइप का होता है एक तो जे फेट एंड और एक होता है मॉसफेट तो इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जानेंगे जे फेट का तो जेफेड जो है इसका फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैसे कि हम जानते हैं बीजेटी दो टाइप का होता है एन पी एन एंड पी एन पी सिमिलरली जेफेट भी दो टाइप का होता है पी चैनल जेफेड एंड एन चैनल जेफेड पी चैनल जो जेफेड होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है एन पी एन यहाँ पे जेफेट का तीन टर्मिनल रहता है सोर्स गेट एंड ड्रेन आपको यहाँ पे चार पॉइंट दिख रहा होगा एक दो तीन चार लेकिन ये जो दो पॉइंट है ये एक साथ कनेक्टेड है जिसे गेट कहा जाता है एंड इस टर्मिनल को ड्रेन एंड इस टर्मिनल को सोर्स कहा जाता है इसे पी चैनल क्यू कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पी टाइप मेटेरियल है एक चैनल क्रिएट कर रहा है दो एन टाइप मेटेरियल के बीच में इसलिए इसे कहा जाता है पी चैनल जेफेट एंड यहाँ पे एन टाइप मेटेरियल एक चैनल क्रिएट कर रहा है दो पी के बीच में इसलिए इसको कहा जाता है एन चैनल जेफेट अब हम इसका वर्किंग के तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन टर्मिनल ड्रेन गेट एंड सोर्स अगर हम ड्रेन एंड सोर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करें इस तरीके से एक हम पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा ये जो हमारा एन टाइप मेटेरियल है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है ड्रेन तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो ड्रेन के तरफ मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ड्रेन के तरफ जाने के लिए एक करंट कन्वेंशनल करंट आईडी फ्लो करेगा इधर तो ये आई क्यों फ्लो कर रहा है जब हम एक पोटेंशियल रिफरेंस को कनेक्ट किए हैं ड्रेन एंड सोर्स के बीच में तब क्योंकि ड्रेन पॉजिटिवली आ रहा है इसलिए एन चैनल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रेन के तरफ जा रहा है इसलिए एक कन्वेंशनल करंट आईडी फ्लो कर रहा है इस तरफ अब जहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या है पीएन जंक्शन है तो पीएन जंक्शन है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा एक डिप्लीशन रीजियन भी होगा यहाँ पे हम डिप्लीशन रीजन को ड्रॉ करते हैं इधर भी एक डिप्लीशन रीजन होगा अब डिप्लीशन रीजन में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहता इसलिए हमारा जो डिप्लीशन रीजन होता है वो हमें कंडक्शन में मदद नहीं करता अगर हम इस डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज करें अगर हम डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज करें तो क्या होगा अगर हम डिप्लीशन रीजन को ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे इंक्रीज कर रहे अगर इंक्रीज करेंगे तो ये जो जगह है ये कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा अगर हम डिप्लीशन रीजियन को इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा घट जाएगा इसका मतलब आई भी घट जाएगा तो हम डिप्लीशन रीजियन को कम ज्यादा करके आई को कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये जो डिप्लीशन रीजन हम कम ज्यादा करते वो करते हैं जी एंड एस के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस रहता है उसके मदद से हम यहाँ पे गेट एंड सोर्स सोर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं जिसको नाम देते हैं भी जी एस अगर हम भी जी एस को ज्यादा कर देंगे तो एक डिप्लीशन रीजन ज्यादा हो जाएगा भी जी एस को कंट्रोल करके VGS को कंट्रोल करके हम डिप्लीशन रीजियन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड डिप्लीशन रीजियन को कंट्रोल करके हम ID को कंट्रोल कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ हमारा जो ID डी करेंट है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है VGS जी एस के ऊपर क्योंकि ID डी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लो डिपेंडेंट है डिप्लीशन रीजियन के ऊपर एंड डिप्लिसन रीजियन डिपेंडेंट है VGS जी के ऊपर तो हम कह सकते हैं आई का फ्लो डिपेंड करता है इस वोल्टेज के ऊपर इसलिए ये जो हमारा डिवाइस है इसे हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस क्यों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसका जो आउटपुट करंट है आईडी, इसे हम कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज का यूज़ करते हैं इसलिए इस डिवाइस को कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस एंड हमारा जो बीजेटी होता है उसे हम कहते हैं करेंट कंट्रोल डिवाइस तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ जेफेट अब हम देखेंगे जेफेट का सिंबल बीजेटी में जैसे एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल एक तरीके का होता था सिर्फ एक एरो साइन का फर्क होता था यहाँ पे भी एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट का सिंबल एक ही तरीके का है सिर्फ एक साइन का फर्क है यहाँ पे मैंने इन चैनल जेफेट को दिखाए हैं गेट ड्रेन एंड सोर्स कुछ इस तरीके का होता है एंड जो एरो साइन होता है वो गेट में अंदर के तरफ होता है एंड जब ये पी चैनल में आता है तो सब कुछ तो सेम ही रहता है लेकिन जो एरे साइन होता है वो गेट के तरफ होता है तो ये हो गया हमारा सिंबल ऑफ जेफेट एंड अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखें जेफेट का जेफेट का फिजिकल स्ट्रक्चर বিলকুল বীজেটি কী হতজেটি কে জেসে স্ট্রাকচার হতো ওইসে স্ট্রাকচার জেফেড কী হতিকলি